और मैं श्रुति। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो पहले नंबर पर है। नवंबर 2019 में शुरू होने वाले जियो ने कुछ ही समय में अपने सस्ते प्लान के जरिए देश के मार्केट में पकड़ बना ली। नतीजा ये हुआ कि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन समेत कई कंपनियों के शेयर्स गिर गए। देश की दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया ने विलय कर लिया। हाल में नवंबर के महीने में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड प्लान्स में बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद जियो ने भी अपने प्लान्स में बढ़ोतरी कर दी। रिलायंस जियो ने अपने इन प्लान्स में बढ़ोतरी दिसंबर के महीने में की है। टैरिफ की कीमतें बढ़ने के बाद वोडाफोन आइडिया अब एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो 179 रुपए वाले प्लान से कम में आने वाले अपने वोडाफोन आइडिया प्रीपेड प्लान के साथ SMS की सुविधा ऑफर नहीं कर रही है। कंपनी के इस प्लान से कई सारे यूजर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ा है, खासकर उन लोगों को जिनको कंपनी का 179 रुपए वाले प्लान से कम कीमत वाला प्लान चुनते हैं। लेकिन कंपनी के इस कदम के पीछे ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने यूजर्स को अपने नेटवर्क पर रोके रखना चाहती हो, क्योंकि कंपनी सब्सक्राइबर्स मार्केट शेयर को बढ़ाने के साथ साथ नए यूजर्स को नेटवर्क से जोड़ना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वोडा आइडिया का यूजर अपने लिए 179 रुपए से कम कीमत वाला प्लान चुनता है तो उसे आउटगोइंग SMS नहीं मिलेंगे, और अगर SMS नहीं मिलेंगे तो कोई यूजर पोर्ट के लिए SMS नहीं भेज पाएगा। और यही बात मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। पोर्ट के लिए SMS के जरिए ही आपका वही नंबर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होगा। रिलायंस जियो ने 2019 में एंट्री के बाद से ही अब तक सबसे सस्ते ऑफर प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ वह अपने सब्सक्राइबर्स बेस को भी बढ़ाना चाहती है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कई वोडाफोन आइडिया यूजर्स कंपनी छोड़ जियो में पोर्ट कराना चाहते हो, और अब टैरिफ बढ़ने के बाद वोडा का SMS के साथ आने वाला प्रीपेड प्लान बहुत ही महंगा हो गया है, जिस वजह से जियो को नए सब्सक्राइबर्स से जोड़ने में दिक्कत हो सकती है। अब इस मामले को लेकर रिलायंस जियो ट्राई के पास पहुंच गया है। उसने अपनी शिकायत में कहा कि वोडाफोन आइडिया का ये कदम सही नहीं है। जियो ने अपनी शिकायत में कहा कि लो एंड प्लान वाले यूजर्स जियो या एयरटेल में पोर्ट आउट नहीं कर सकते। फिलहाल ट्राई की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। जियो का लक्ष्य 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच करना है, लेकिन वोडा आइडिया के इन कदमों से जियो को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी करिए और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।